हरियाणा में सरकार प्रशासन किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि अब सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। जींद में टीम ने श्रम विभाग दफ्तर में छापा मारा तो कई कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले, जिसकी शिकायत अधिकारियों को लिखित में की गई है। शिकायत प्राप्त हुई है कि जो श्रम विभाग डिपार्टमेंट में कर्मचारी लगे जाते हैं, वो जो सरकार के द्वारा श्रम कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है उनमें एंट्री तय कर रहे हैं। तो डीसी साहब से ड्यूटी ऑफिसर अपने नायब तहसीलदार अजय जी को नियुक्त करवा करके हम यहाँ ऑफिस में आ गए। उनके टोटल 16 कर्मचारी, उनमें 7 कर्मचारी ड्यूटी से एबसेंट थे। उनमें से कुछ तो कर्मचारी ऐसे थे जो 3 तारीख से 18 दिन की फोन कर दी थे। तो वहीं रोहतक में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारकर नकली कीटनाशक दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। टीम को एक घर से 40 पेटियां मिली हैं। ये घर काफी दिनों से बंद था। कृषि विभाग की टीम को बुलाया गया तो पता चला कि सभी दवाइयां नकली हैं। सूचना ये मिली थी कि कोई नकली दवाई बना के घरों में स्टोर कर रहे हैं। नामी ग्रामी कंपनी है ना, उनके नाम की दवाइयां नकली बना के और वो बिल्कुल नक्काशी करके उनके और अपने रेजिडेंस एरिया में स्टोर कर रखे थे। वो गुप्त सूचना थी। सेम फ्लाइंग के साथ रेड भी है यहाँ पे। दवाइयाँ हैं काफ़ी, सेल्फोस है और जो फंगीसाइड है सारे कृषि में उपयोग वाली दवाइयाँ हैं। सारे कीटनाशक है, फंगीसाइड है, वीडीसाइड भी हैं, सेल्फोस की गोलियाँ हैं। सेब तो क्या है, बिल्कुल नकली। इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि जो कच्चे नमूने भेजे हैं ना हमने, उनकी रिपोर्ट आ गई जीरो, इसमें कुछ भी नहीं। सीएम फ्लाइंग की टीम राज्य में लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रदेश के हर क्षेत्र में विभाग छापेमार कार्रवाई कर रहा है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। सूर्या समाचार के लिए जींद से परमजीत पवार और रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।